जेई मेंस 2023 के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, लाइक उनके जितने भी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बच्चे ड्रॉपर हैं उनके मन में एक लाइक बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि भैया 23% 75% का जो क्राइटेरिया है उससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, परसेंटेज का 75% के क्राइटेरियाज को लेकर के। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए 101% या 110% जो भी आप ले लें, 75% का क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एज इट इज़ बूस्ट कर सकते हैं। एंड बात करते हैं सेकंड चीज़ की, लाइक जैसे जो बच्चे 12th क्लास में हैं तो उनके लिए, जो भी बच्चे 12th क्लास में ओबीसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जनरल वाले बच्चों के लिए 75% एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 65% का होने वाला है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, ड्रॉपर के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आप एज इट इज़ अपना पढ़ाई करते रहें, परेशान बिल्कुल ना हों। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ऐसी और अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। एंड आपका एग्जामिनेशन मैंने बता दिया था, आपके एग्जामिनेशन अप्रैल में होने हैं, अभी कोई चांसेस नहीं है अप्रैल में इस समय होने के। आप देख सकते हैं इस हफ्ते भी कोई डेट शीट नहीं आई हुई, तो आप मान सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन अप्रैल में होंगे। स्टिल कोई डाउट बच रहे हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टे सेफ एंड बाय बाय।